दोस्तों, अगर आप लेटेस्ट न्यूज़ पढ़ना चाहते हो, लेटेस्ट खबरों से अपडेटेड रहना चाहते हो हमेशा, चाहे वो टेक हो या फिर आप किसी भी तरह के कैटेगरीज का न्यूज़ पढ़ना चाहते हो, जैसे स्पोर्ट्स हो गया या फिर पॉलिटिक्स हो गया या फिर एजुकेशन से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, किसी भी तरह का अगर आप न्यूज़ पढ़ना चाहते हो, लेटेस्ट अपडेट पढ़ना चाहते हो, और आप चाहते हो कि पूरी न्यूज़ मुझे नहीं चाहिए, बस मुझे हेडलाइंस चाहिए, जो मुझे मोटी मोटी जो लाइंस होती है बस मैं वो रीड करूँ और मुझे पता चल जाए कि आखिर देश दुनिया में क्या चल रहा है, तो दोस्तों आपको इस एप्लीकेशन में बताऊंगा। ये एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और मुझे बहुत पसंद है, रियली बताऊँ मैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये एप्लीकेशन। इसमें आपको कई तरह के फीचर्स मिलेंगे जो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना मेरे साथ। सो हाय दोस्तों, मैं हूँ राजवीर सिंह और आप देख रहे हैं RazzTube चैनल। चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका नाम है इनशॉर्ट 60 वर्ड न्यूज़ समरी। आप इसको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के साथ आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। यहाँ पर आप लैंग्वेज चूज़ कर लेंगे। दो लैंग्वेज अभी यहाँ पे मस्त दिया गया है, हिंदी और इंग्लिश, तो आप जिसमें प्रेफर करते हैं आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। मैं भी इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ और स्वाइप अप कर देता हूँ ऊपर की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी लेटेस्ट न्यूज़ चल रही होगी वो आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरह से आना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हो आप, अभी ये आसूस का कुछ चल रहा है, तो मतलब हर तरह से आप जिस भी कैटेगरी का देखना चाहते हो वो कर सकते हो। फिर उसके बाद ये आपको इंट्रोड्यूस करेगा कुछ इस तरह से कि अगर आप स्वाइप लेफ्ट करते हो तो आप इस न्यूज़ को पूरा रीड कर सकते हो। जैसे ये है COVID-19 का, तो मैं चाहता हूँ कि इस न्यूज़ को मैं पूरा पढ़ूँ, तो इसको मैं स्वाइप लेफ्ट करूँगा ना, तो आप देख सकते हो इसकी पूरी न्यूज़ ओपन होकर आ गई है, तो अब इसको आप पूरी तरह से पढ़ सकते हो। तो चलो मैं अभी बैक करता हूँ इसको और दिखाता हूँ कि और भी इसमें क्या क्या दिया है। उसके बाद अगर आप इसको राइट साइड की तरफ स्वाइप करते हो इधर, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है पूरा मेन्यू, जहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर पोल्स चलते हैं, इनसाइट्स होते हैं, और भी मतलब आपके कई सारे कैटेगरीज जो भी आप देखना चाहते हो, स्पोर्ट्स, बिजनेस, या फिर टेक्नोलॉजी, साइंस, एजुकेशन, या फिर इंटरनेशनल न्यूज़, आप जिस तरह की न्यूज़ को रीड करना चाहते हो आप उसको फीड कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे एजुकेशन वाला कैटेगरी चूज़ करता हूँ, तो एजुकेशन से रिलेटेड जो भी यहाँ पे चीज़ें भी चल रही होगी, जैसे आप कोई करंट अफेयर पढ़ना पसंद करता है या फिर कोई मतलब कि अपडेटेड रहना चाहता है कि आखिर हो क्या रहा है GK GS से, तो आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरह की न्यूज़ पढ़ सकते हो। बाकी उसके बाद आप यहाँ पे लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो। आपको सेटिंग मिल जाता है लैंग्वेज का ऑप्शन, फर्स्ट में इंग्लिश अभी लिखा हुआ है, आप इसको हिंदी कर सकते हो। लेकिन इस एप्लीकेशन ने मुझे एक फॉल्ट दिखाया, वो फॉल्ट क्या मैं आपको दिखाता हूँ। पहले यहाँ से मैं कोई भी एक न्यूज़ ओपन कर लेता हूँ। अभी हमने जैसा कि लैंग्वेज अपना हिंदी में चेंज कर दिया है ना, तो इसके बाद मुझे लैंग्वेज हिंदी में मिलेगा यहाँ पर, बेशक यहाँ पे हिंदी में मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दिक्कत ये है कि अगर मैं इस न्यूज़ को पूरा पढ़ना चाहता हूँ, यहाँ पे भी जो भी न्यूज़ आ रहा है मैं इसको चाहता हूँ कि पूरा रीड करूँ, फुल रीड करूँ, तो इसके लिए जब आप स्वाइप लेफ्ट करोगे तो आपको उस वेबसाइट पे भेजा जाएगा जिस वेबसाइट पर इस न्यूज़ को पब्लिश किया गया है, तो वहाँ पर ये न्यूज़ हमें इंग्लिश में मिलता है। लेट से मैं इस एग्जाम्पल लेता हूँ, ये वाला जो हमारे पास आने पोस्ट है, मैं इसको भी रीड करना चाहता हूँ पूरा, किस के बारे में आखिर क्या किया, पूरा डिटेल से, ठीक है। तो इसको हम स्वाइप लेफ्ट करेंगे और देखेंगे, तो यहाँ पर यार ये तो इंग्लिश में है। अब यार हिंदी पढ़ने वाले लोगों के लिए इंग्लिश तो थोड़ा सा मुश्किल लगता ही है ना, जैसे मुझे इंग्लिश नहीं आता यार, अब मैं हिंदी में पढ़ने वाला बंदा मैं इंग्लिश कैसे पढ़ूंगा। तो डोंट वरी, इसके लिए आपको क्या करना है, ऊपर में दिख रहा होगा 3 बिंदु 3 डॉट, इस पर क्लिक करना, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद 2 ऑप्शन मिलेगा, कॉपी लिंक और ओपन इन ब्राउज़र। तो कॉपी लिंक करके वो क्रोम ब्राउज़र में ओपन कर लेना, मैं डायरेक्ट यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, तो ये मेरे ब्राउज़र में ही ओपन होता है डिफ़ॉल्ट, इसलिए। अब यहाँ पर देखो वही वाला न्यूज़, यहाँ वही वाला आर्टिकल क्रोम ब्राउज़र में ओपन है। उसके बाद 3 बिंदु पर दोबारा क्लिक करेंगे हम, फिर ट्रांसलेट पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर नीचे सबसे नीचे देखोगे तो इंग्लिश पे भी किया हुआ है, हिंदी पे हम करेंगे तो ये ट्रांसलेट हो जाएगा, हिंदी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इसलिए होता है क्योंकि इसमें गूगल ट्रांसलेट का एक फीचर दिया हुआ रहता है। आप इसका चाहो तो लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, आपको यहाँ पर कई सारे लैंग्वेज मिल जाते हैं नीचे में, यहाँ पर ऑलमोस्ट आपको सभी लैंग्वेज मिल जाते हैं, पंजाबी, मराठी, हिंदी, और भी कई तरह के लैंग्वेज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप इसको सेलेक्ट करके अपने रीजनल लैंग्वेज में पढ़ सकते हो, बंगाली भी मिल जाएगा, डोंट वरी आप पढ़ सकते हो यहाँ पे आसानी से। फिलहाल मैं भी इसको वापस से हिंदी पे क्लिक कर देता हूँ, हिंदी ही सेट रखता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप किसी भी न्यूज़ को बुकमार्क करके रख सकते हो, आप फ्यूचर में बाद में पढ़ना चाहते हो, अभी आपके पास टाइम नहीं है, या फिर आप किसी को दिखाना चाहते हो, सेव करके रखना चाहते हो, तो आप उसको बुकमार्क कर देंगे और ये आपके बुकमार्क लिस्ट में सेव रहेगा। बस आपको जो भी न्यूज़ पढ़ रहे हो उस न्यूज़ के हेडिंग पर क्लिक करना होता है, उसके बाद वो बुकमार्क हो जाएगा। जिसका इसका हेड, जैसे आप देख रहे हो इस पोस्ट का जो भी हेडिंग है, इसका हेडिंग पर हम जैसे क्लिक करेंगे और ये बुकमार्क हो जाएगा, ओके। अब अगर आप चाहते हो कि मुझे बस स्पोर्ट्स से रिलेटेड या फिर एजुकेशन से रिलेटेड या फिर किसी एक कैटेगरी से रिलेटेड ही ज़्यादातर न्यूज़ पढ़नी हो, तो इसके लिए आपको यहाँ पे साइन इन करना होगा अपने अकाउंट्स में, जैसे आप फेसबुक से कर सकते हो, गूगल से, ट्विटर से, या फिर फ़ोन नंबर से आप इसमें लॉग इन कर सकते हो, साइन इन कर सकते हो। उसके बाद आप जो भी सर्च करते हो, आपका जो भी फील्ड होता है जिसमें आपका इंटरेस्ट होता है, जैसे टेक पढ़ना पसंद करते हो, टेक्नोलॉजी या फिर साइंस या फिर और भी कई तरह के कैटेगरी जो भी आप पढ़ना चाहते हो, उस कैटेगरी से रिलेटेड आपको न्यूज़ ज़्यादा देखने को मिलेगा, जैसे गूगल फीड में होता है।
तो ये बहुत कमाल का है। उसके नीचे आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है दोस्तों, आप यहाँ पे नोटिफिकेशन बंद कर सकते हो, और अगर आप इसकी फोटो क्वालिटी चाहते हो HD में कर सकते हो, नाइट मोड ऑन कर सकते हो, और ऑटो प्ले लिखा है, अगर कोई वीडियो आपके सामने आता है तो वो ऑटो प्ले होगा नहीं होगा वो आप देख सकते हो, और इसकी सेटिंग में ज़्यादा कुछ नहीं है। तो जैसे देखो मैंने इसको नाइट मोड में कर दिया, आप देख सकते हो नाइट मोड में भी काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि मैं ज़्यादातर न्यूज़ रात में ही पढ़ना पसंद करता हूँ। सो दोस्तों इस एप्लीकेशन के बारे में बताना आपको कैसा लगा ये एप्लीकेशन। जैसा कि देखा आपने इसमें कई सारे ऑप्शंस, आपको कई सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं, और इसका सबसे बड़ी बात जो मुझे लगा इंटरफेस इसका बहुत अच्छा है। आपको इसमें क्या यूनिक लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताओ, अगर आपको जरा सा वीडियो पसंद आया इस एप्लीकेशन के बारे में आप लोगों तक पहुँचाए, इसको शेयर करें और लोगों को बताएं कि इस एप्लीकेशन के जरिए भी वो अच्छे अच्छे न्यूज़ को पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं, और इसका इंटरफेस मुझे काफ़ी अच्छा है, ईजी टू यूज़ लगा, मैं इसको बार बार बोलूँगा मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ये एप्लीकेशन बिल्कुल भी स्पॉन्सरशिप नहीं किया हुआ इस वीडियो में, क्योंकि मेरे चैनल पर इतना सब्सक्राइबर नहीं है कि मैं उसको स्पॉन्सरशिप कर सकूँ, ठीक है। चैनल पे अभी तक 1000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट नहीं हुए, तो यार सपोर्ट करो, लाइक करो वीडियो को और सब्सक्राइब भी जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद दोस्तों।